राहुल गांधी से आज फिर ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने आईसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है। रिजिजू को नोटिस भेजा है, ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही है, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गैरकानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का यह इजाजत नहीं देता कि सिलेक्टिव लीकेज करी जाए, और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें। और अलग अलग बातें जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, द आंसर्स वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड इट अपीयर्ड दैट ही वाज ट्यूटर्ड बाय हिज लॉयर्स ऑन हाउ टू आंसर एंड अवॉइड सर्टेन एस्पेक्ट, सोर्सेज सेड। तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए वहां से, देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सेलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सेलेक्टिव लीकेजेस बंद करें और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की